तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। और एक बार फिर से मेरे पिंकुस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं आज आया हूँ पुष्पक नगर। तो पुष्पक नगर की कुछ एरिया, कुछ बिल्डिंग और यहाँ के कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। पुष्पक नगर का कुछ जानकारी देंगे आपको। और फिलहाल अभी मैं हूँ सेक्टर 5 वाले एरिया में। तो जानने की कोशिश करते हैं पुष्पक नगर में कितने सेक्टर हैं और यहाँ का जो एरिया है कितना बड़ा है। और तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप मोटिवेट करते रहिए और हम आपको ऐसी वीडियो दिखाते रहेंगे। तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। पुष्पक नगर का जो स्पीड है, मेरे ख्याल से एयरपोर्ट के साथ होगा, उसके साथ साथ ही तैयार होने वाला है, क्योंकि इसका भी 4-5 साल से काम चालू है और एयरपोर्ट को भी लगभग हो ही गया है दो तीन चार साल। तो मेरे ख्याल से एयरपोर्ट के साथ साथ ये भी तैयार हो जाएगा और हमको बहुत जल्द ये पुष्पक नगर देखने को मिलेगा। और वैसे फ़िलहाल तो यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग दिख रहे हैं सारे के सारे बड़े हैं, कि और यहाँ पे छोटा मोटा बिल्डिंग का कहीं तो नामो निशान नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से जितने भी बिल्डिंग आएंगे यहाँ पे सब के सब बड़े होंगे, और होंगे छोटे मोटे तो वो ऐसे शॉप वगैरह रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से एयरपोर्ट बगल में है। और अभी फ़िलहाल ये जंगल झाड़ी बहुत सारे दिख रहे हैं, तो ये जंगल झाड़ी सब हट जाएंगे क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। तो आपको ये जंगल झाड़ी देखने को मिलेंगे जैसे तैयार हो जाएंगे, यहाँ पे पूरे क्लीन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिलने वाले हैं जो सिटी शहर में दिखते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा। हम रोड के उस साइड भी जाके दिखाएंगे आपको, क्योंकि हम अभी सेक्टर 5 वाले एरिया में हैं और सेक्टर जो स्टार्ट होते हैं तो रोड के उस साइड है, तो हम जाके वहाँ पर दिखाएंगे आप। मेरे ख्याल से और भी आगे आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा। तो ये एरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। तो और भी ये देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे तरीके से तैयार नहीं हुए हैं लेकिन कुछ हद तक तैयार हो गए हैं। पुष्पक नगर का सेक्टर 8 है, यहाँ पे पोस्टर बहुत जगह लगे हैं, कमिंग सुन, मतलब बहुत जल्द आने वाला है। खास बात बता दूं, ये जो पहाड़ दिख रहा है यहाँ पे मेरे पीछे साइड, यहाँ पे बारिश के मौसम में हमेशा आपको हरा भरा दिखाई देगा। यहाँ पे पेड़ पौधा हरा भरा रहता है, आपको हरा भरा देखने को मिलेगा। और चलिए जानते हैं यहाँ पे आएंगे कैसे। मुंबई से आते हैं तो आपको पहले बीच रोड में एक किला मिलेगा वाइट कलर का, वहाँ से आप राइट लेंगे तो राइट लेने के बाद आपको सीधा आएंगे कम से कम 4-5 से 6 किलोमीटर आगे, उसके बाद फिर आपको गवन फाटा करके एक जगह मिल जाता है जहाँ फ्लाईओवर है। तो फ्लाईओवर में जैसे आप ऊपर आते हैं तो वहाँ फ्लाईओवर से आपको राइट लेंगे तो उरन के लिए जाएंगे, और लेफ्ट लेंगे तो ये पनवेल रोड को आ जाते हैं आप। जब पनवेल रोड को आएंगे तो वहाँ से कुछ ठीक 5-7 किलोमीटर आने के बाद आपको पुष्पक नगर आता है। तो पुष्पक नगर आने के लिए आप किसी से पूछ सकते हैं। फिलहाल तो ये रोड के ठीक बगल में है तो उतना ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कलमबोली से आते हैं तो कलमबोली से आएंगे तो कलमबोली से आने के बाद आप करंजड़े जो ब्रिज है वहाँ से आप राइट लेंगे, तो ठीक जैसे राइट लेते हैं, राइट लेने के बाद ये पुष्पक नगर आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा। तो वहाँ से आने के बाद आपको बहुत सारे रास्ते हैं जो पुष्पक नगर को आपको पहुँचाता है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सहायता मिला होगा, इस एरिया के बारे में जानकारी मिली होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुँचेगा सबसे पहले, और लाइक करेंगे मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो लेके आते हैं ताकि हमारे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिले, कुछ सहायता मिले, घर बैठे आप उन चीज़ों को जान पाते हैं जो आपको इस वीडियो के द्वारा मिलता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में अगर कुछ बातें पसंद आई होगी, ये एरिया पसंद आया हो
तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए इतनी, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।